मेरा नाम नैना जयसवाल है. मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की और 10 साल की उम्र में मैंने अपना इंटरमीडिएट किया और 13 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं इंडिया की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट बनी हूँ. और अभी 16 साल की उम्र में मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ. और इसके साथ साथ टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन हूँ, साउथ एशियन चैंपियन हूँ. मैं पियानो प्ले करती हूँ और गाना गाती हूँ और इसके साथ साथ मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ और टाइपिंग में ए टू जेड मैं सिर्फ 2 सेकंड में टाइप करती हूँ. और मुझे रामायण के 108 श्लोक कंठस्थ है और इसके साथ साथ मैं स्पेशल हैदराबादी बिरयानी सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ. तो मैं कहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों के खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं. और आज और मैं कहती हूँ कि खुशी और गम दिन रात जैसे होते हैं, इनके बिना जिंदगी अधूरी है. हमें हर हालत में कामयाबी की बुलंदी छूना है क्योंकि खोकर पाने का मजा और है, रोकर मुस्कुराने का मजा और है. हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है. छोटी सी उम्र में बुलंदियों को छूने का सपना हैदराबाद के पुराने शहर से शुरू हुआ और उन सपनों को पूरा करने का जुनून हैदराबाद की गलियों से गुजरा. और मेरे साथ मेरे माता पिता बुलंद आवाज में कहते गए, नैना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ कि तस्वीर की तकदीर बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं और नैना जयसवाल के इतिहास में रोशनी डालने वाले को ही अश्विनी कुमार जयसवाल कहते हैं. और आज यहाँ पे यहाँ का माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत गौतम मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स जैसी हो तो इतिहास बनाती है. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हर रात को चांद का सिंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूलों का दुलार नहीं मिलता. हमने भी शहर हैदराबाद में कई स्कूल देखे पर हर स्कूल गौतम मॉडल स्कूल जैसा नहीं होता. और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहती हूँ कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे. हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे. ये इरादे को लेकर आगे बढ़ो और मेहनत करो. लोग तो मरने के बाद जन्नत को देखते हैं पर हम तो बचपन से ही वहीं रहते हैं. हमें कोई और जन्नत का पता नहीं क्योंकि हम तो माँ के कदमों को ही जन्नत मानते हैं. और मैं ये भी कहती हूँ कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है. जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है. और लोग कहते हैं कि हाथों की लकीर अच्छी नहीं हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती है, पर मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि सर पर अगर माँ और बाप का हाथ हो तो लकीरों की कोई जरूरत नहीं है. और मैं ये भी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे. और अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी से उम्मीद मत करो क्योंकि उम्मीद हमेशा दुख देती है. इन आंसुओं को तेजाब बना लो, इस दिल को फौलाद बना लो, हाथों को हथियार बना लो और इल्म को तलवार बना लो. फिर मेरे साथ कदम मिलाकर ललकारो उन मक्कारों को, महिलाओं के अत्याचारों को जिन्होंने दिल्ली में निर्भया और विजयवाड़ा में आयशा बेगम के ऊपर जुल्म ढाए हैं. और मैं ये भी सरकार चलाने वालों से गुजारिश करती हूँ कि ये धरती, ये गगन, ये वतन न बेच देना. शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना. और नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
और ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे पूरा करो। जब तक ना सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो मेहंदी के पत्तों की तरह जो खुद पिस कर भी दूसरों के जिंदगी में रंग भर देते हैं। तो थैंक यू सो मच।